हेलो दोस्तों, चलिए आज चलते चलते आपको स्टोरी सुनाते हैं। अब हम ये चल चुके हैं, यहाँ से धीरे धीरे चलेंगे। वैसे मैं बाइक पे पीछे बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपना वीडियो बनाते बनाते आपको आज साथ के साथ सुनाते हैं, जो कि सचमुच में बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। स्टोरी का नाम है अकबर बीरबल की स्टोरी है, जिसमें अकबर बीरबल से पूछते हैं कि भाई हाथ की हथेली पर बाल क्यों नहीं होते। अकबर भी एक सेकेंड, जरा हेलमेट लगा लें, क्योंकि भाई चालान कभी भी कट सकता है, इसलिए और अपनी सेफ्टी भी है, दोनों ही चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हमने हेलमेट लगा लिया है। तो भाई साहब, अकबर साहब पूछ रहे हैं कि हाथ की हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते। यार वैसे अकबर भी ना बहुत मज़े लेने वाला बंदा था। सीधी सी बात है यार, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो है, हाथ की हथेली पर नहीं उगते तो नहीं उगते। ज़बरदस्ती बीरबल में उंगली देने, एक सेकेंड भाई ज़रा टर्न ले लें, टर्न लेना भी बहुत ज़रूरी है सावधानी के साथ, वीडियो तो बनती रहेगी, क्योंकि अपना जो दोस्त है ये ठीक से नहीं चलाता भाई, ध्यान रखना पड़ता है इसका। तो अकबर में भी बीरबल को उंगली देने की आदत थी, तो उसने पूछ लिया बीरबल से। तो बीरबल ने अकबर साहब को ये कहा कि सर, आपकी हथेली पे बाल इसीलिए नहीं उगते क्योंकि आप हमेशा पुरस्कार बांटते रहते हैं, और अगर आप पुरस्कार बांटते रहोगे तो आपके हाथ घिसते हैं, इसीलिए आपके हथेली पे बाल नहीं उगते। तो अकबर ने कहा चलो ठीक है, समझ में तो आ गई, लेकिन फिर वही उंगली देने की आदत। फिर उन्होंने बीरबल से ये पूछा कि चलो मेरा छोड़ो, तुम्हारी हथेली भी क्यों नहीं उगती। तो बीरबल ने कहा साहब, मैं भी तो आपसे पुरस्कार लेता रहता हूँ, इसीलिए मेरे हाथ भी घिस जाते हैं, इसलिए मेरी हथेली पे भी नहीं उगते। कि अब देखो मज़े की बात, भाई बड़ा अंधेरा हो रहा है वैसे रोड पे, तो कई बार डर लगने लग जाता है यार रात को ऐसे टाइम में चलाने में। फिर आते हैं कहानी पे, आते हैं वापस। अकबर ने भाई फिर मतलब संतुष्टि ली, फिर उंगली। फिर अकबर पूछता है कि भाई ये बता, मेरा ठीक है तेरा ठीक है, अब ये बता दरबारियों की हथेली भी क्यों नहीं उगते। अब दरबारी भी भाई सोचने लग गए यार अब तो अटक गया लौंडा, अब नहीं जवाब दे पाएगा ये। तो बीरबल भी भाई बीरबल ही था, खतरनाक व्यक्ति, वैसा अगर दिमाग हो ना आज की डेट में तो बंदा भाई बस किसी की वाट लगा दे। तो उसने कहा साहब एक बात बताओ, आप गिफ्ट बांटते हो, तोहफे बांटते हो, तो इसलिए आपकी हथेली भी नहीं उगते। मैं तोहफे लेता हूँ इसलिए मेरी हथेली भी नहीं उगते। अब ये जो दरबारी है ना, ये किलसते हैं बैठ के, और ये चिड़के अपने हाथ मलते हैं, और जब ये हाथ मलते हैं तो भाई फिर इनकी हथेली पे भी नहीं उगते। और बोल, फिर अकबर भाई संतुष्ट हो गया और वो समझ गया कि भाई सही कह रहा है ये। उसके बाद जो दरबारी थे भाई वो भी मुंह नीचे करके खड़े हो गए चुपचाप, क्योंकि वो वास्तव में जलते थे। तो इसीलिए भाई हाजिर जवाब रह सकते हो, पर थोड़ा सा फोकस रखने की ज़रूरत है हर चीज़ के अंदर। अगर फोकस रखेंगे ना अपनी लाइफ में तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो तुमने सोचा है ना डेफिनेटली उसको अचीव कर लोगे, डेफिनेटली रास्ते खुल जाएंगे। मतलब जैसे तुम कुछ करने जा रहे हो, तुमने वो काम किया, अगर मतलब तुम्हारा टारगेट सही है, तुम्हारी इच्छा सही है, तो चाहे उस चीज़ में तुम्हें सफलता ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ तुम्हें ऐसा मिल जाएगा उसके दौरान कि तुम्हारी ज़िंदगी सेट हो जाएगी भाई उसमें। इसीलिए अपना काम करते रहो, अपनी मेहनत करते रहो, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, और फिर देखो नज़ारे। वास्तव में अगर तुम पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ लगते हो तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी कायनात तुमको उस चीज़ से मिलाने में जुट जाती है। सफलता से मतलब है ना, चाहे वो किसी भी रूप में मिले। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार और अपने लाइक्स अपने सब्सक्राइब हमें ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम कुछ नया लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे।